अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? आज आपकी खिदमत में मैं नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। बेसिकली हमारे पास माइक्रोमीटर जो है ना, वो दो किस्म के होते हैं, एक इंचेस वाला और एक एमएम में। तो हमारे पास ये एमएम में है। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वायर का, वाइंडिंग वायर का कैसे इसका गेज मालूम करते हैं। ये इसका एक लॉक है, हम जब यहाँ वायर फिक्स कर देते हैं उसके बाद हम इस लॉक को प्रेस कर देंगे, जिससे फिर ये हिलेगा नहीं, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये एमएम है और ये इसकी स्केल है, मिलीमीटर स्केल है। और मिलीमीटर स्केल है, अब हम इसको, ये वाइंडिंग वायर है हमारे पास, ये लगाएंगे और उसके थ्रू एमएम को निकाल के उसके बाद फिर हम इस, हमारे पास एक शीट है स्टैंडर्ड वायर गेज की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये वायर कितने गेज का बन रहा है। ये देखें, अभी हमने ये वायर लगाई है यहाँ पर, ये वायर लगाई है और ये इसकी स्केल आ रही है। तो ये बन रहा है 0.60, ठीक है। अभी 0.60 हम इस टेबल में देखेंगे कि हमारा कौन सा स्टैंडर्ड वायर गेज बन रहा है। ये हमारे एमएम है और ये हमारा एसडब्ल्यूजी है। अब यहाँ आ जाएं, यहाँ ये देखें, हमारे पास ये 0.60 हमारा एमएम आया, इस तार का डाया। अब ये जो गेज बन रहा है वो 23 नंबर बन रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास जो तार है, ये हम तार जो यूज़ कर रहे हैं वाइंडिंग में, ये 23 नंबर गेज की है। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे। थैंक यू।